आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर सीखने की श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देख लिया था कि मल्टीपल LEDs को कैसे कंट्रोल से इंटरफेस करें या सिंगल LED को कैसे कंट्रोल से इंटरफेस करें और कैसे उसकी प्रोग्रामिंग को लिखें। देखिए, मल्टीपल LEDs या LED इंटरफेसिंग बताने का मेरा एक ही मकसद था कि हम उसके जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री में या मार्केट में जहाँ पर भी यूज़ होते हैं उनको कैसे देखें। तो मल्टीपल LEDs का सबसे अच्छा एग्जांपल, जो सबसे वाइडली यूज्ड मार्केट में होता है, वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। दोस्तों, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है, ये कुछ LEDs को इस तरह अरेंज किया जाता है ताकि वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर को डिस्प्ले कर सके। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो दिखता है। जनरली आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। आप लोगों ने जनरली लिफ्ट में, जब हम लिफ्ट से चलते हैं, तो जब फ्लोर का नंबरिंग आती है तो हम देखते हैं उसमें नंबरिंग चेंज होते हुए, तो वो डिस्प्ले जो लगी होती है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है। या हम टाइमर में देखते हैं या स्टॉप वॉच में देखते हैं, बहुत जगह होता है। लेकिन उसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो मैं पहले आपको समझाऊंगा। आज मैं यहाँ पर आपको 7 सेगमेंट के बारे में बताऊंगा, उसके पिनआउट के बारे में बताऊंगा, और फिर आगे चल के हम उसको कंट्रोलर से कैसे इंटरफेस करें और कैसे प्रोग्रामिंग करके 0 से लेकर 9 तक के नंबर को सबसे पहले डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोगों ने जनरली तो देखा ही होगा उसको, जनरली नेट पे या बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से 7 सेगमेंट को शो किया जाता है और यहाँ पर एक डॉट होता है। देखिए, एक्चुअली इसमें ये जो जितनी भी लाइंस मैंने यहाँ पर बनाई, ये सारी LEDs हैं। एक इंडिविजुअल LED है, अलग अलग LEDs हैं, और ये डॉट भी एक LED है। तो टोटल तो वैसे LEDs में 8 हैं, लेकिन इसको 7 सेगमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 जो LED हैं, ये ही LED मिलकर 0 से लेके 9 तक के नंबर को डिस्प्ले करती हैं। एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ करके हम 0 से लेके 9 तक के नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको उसके आगे जाना होता है तो फिर मल्टीपल 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, और कैसे करते हैं उस मैं आगे आने वाले लेक्चरों में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस तरह दिखता है, और ये एक बॉक्स में ऐसे बंद होता है, और जब भी इसमें देखेंगे हम तो कुछ इस तरह से पिंस निकली हुई होती हैं। इस वाले पिन को मैं दूसरे कलर से, देखिए आज मैंने कुछ कलरिंग का यूज़ किया ताकि आपको इजीली समझ में हो जाए। तो एक पिन को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से वो होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो मैंने अलग कलर से मिडिल की जो दो पिन दिखाई हैं, इनका अलग मतलब होता है और बाकी जो पिन्स हैं उनका अलग मतलब होता है। पहले हम देख लेते हैं कि LEDs कहाँ से होती हैं। देखिए, इसका नाम होता है AP, दिस इज कॉल्ड DP, दिस इज सी, डी, ई, एफ और जी, ठीक है। ये पिन नंबर, ये एक नंबरिंग करने का तरीका है जो डेटा शीट में या आप नेट पे देखेंगे तो आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, और ये कॉमनली यूज होता है। अब ये जो ABCD की पिन्स हैं वो कौन कौन सी LED को डिनोट या शो करती हैं, उनके लिए ये ए मतलब ये जो LED आपको दिख रही है ये ए है, ये बी है,
ये सी है, डी ई एफ और ये बीच वाली जी, और ये जो डॉट आपको दिखा ये है डी पी जो मैंने यहाँ दिखाया। इसका मतलब ये होता है कि ये इस पिन पर कुछ भी वोल्टेज जाएगा तो वो इस ए नंबर वाली एलईडी को इफेक्ट करेगा, बी पर कोई वोल्टेज जाएगा तो वो बी नंबर वाली एलईडी को इफेक्ट करेगा। इसी तरीके सी डी ई मतलब जिस भी जो भी नंबरिंग यहाँ पर मैच करी, जो भी नाम नोमेनक्लेचर या नाम यहाँ पर मैच कर रहे हैं वो उसी को इफेक्ट करेंगे। ये तो हो गया एक जनरली जनरल डायग्राम जो जनरली आपको नेट पे और बुक्स में मिलता है। और ये जो आप मैंने बोला था कि अलग कलर से हैं, इसको हम बोलते हैं सी ओ एम कॉमन, सी ओ एम कॉमन, ये कॉमन पिन्स होती हैं। अब ये कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, मैं आकर आपको बताता हूँ। देखिए ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले का सिंबॉलिक डायग्राम है। दोस्तों मार्केट में 7 सेगमेंट डिस्प्ले दो टाइप की आती हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आपको सेगमेंट समझ में नहीं आएंगे तो आप प्रोग्रामिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए पहली जो डिस्प्ले आती है उसको बोलते हैं कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, और जो दूसरी आती है वो होती है कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब देखिए ये कॉमन, यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, इसका मतलब है ये जो नाम मैंने लिखा है इनका मतलब इन कॉमन वाले पिन से है। अब बता देते हैं क्या है ये। देखिए कॉमन एनोड का मतलब ये है कि जो कॉमन वाली पिन है वो एनोड है। मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले लेक्चर्स में, जो लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ पहले के लेक्चर देख लें ताकि उन्हें चीज़ें समझ में आए। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया पहले भी, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव वोल्टेज, और कैथोड का मतलब होता है निगेटिव या हम बोलते हैं ग्राउंड वैल्यू, मतलब जहाँ एनोड है वहाँ पर हमको पॉजिटिव वोल्टेज देना है और जहाँ पर कैथोड है वहाँ निगेटिव वोल्टेज मतलब ग्राउंड देना है। तो यहाँ से तो एक बात समझ में आ गई, कॉमन एनोड मतलब जो कॉमन पिन है वो एनोड है, इसलिए इस पे हमें क्या देना होगा, पॉजिटिव या पॉजिटिव वोल्टेज। और ऐसे ही यहाँ पर कॉमन कैथोड है, इसका मतलब कॉमन पिन पर हमें क्या देना है, नेगेटिव वोल्टेज, या इसे हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। और चूंकि एक चीज़ और समझ लीजिए, चूंकि ये सारी एलईडीज हैं तो जनरली जो नॉर्मल एलईडी मार्केट में आती हैं वो जितने वोल्टेज पे ग्लो करती हैं ये सारी एलईडी भी उतनी ही वोल्टेज पे ग्लो करेंगे। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। देखिए इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो कॉमन वाली पिन है इस पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना होगा, और जो बाकी पिन्स हैं रेस्ट ऑफ पिन्स उन पर हमें नेगेटिव और ग्राउंड वोल्टेज देना होगा। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज मैं एक बार फिर से डिस्प्ले यहाँ बनाता हूँ आप लोगों के लिए देखने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने एक डिस्प्ले बनाई, नाम मैंने लिखता है ABCD, वो आप तो लोग समझ ही गए हैं, और ये एक डिस्प्ले है। तो अगर ये एक दो अगर ये कॉमन एनोड है
इसका मतलब ये है कि जो कॉमन पिन है इस पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना है दोनों पे। वैसे तो दोनों पे देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले बनाई जाती है वो इस तरह कॉन्फ़िगर होती है कि ये दोनों कॉमन पिन इंटरली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो आपको सिर्फ किसी एक पिन पे, चाहे ऊपर वाली या नीचे वाली पे, पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, दूसरे पे अपने आप पहुंच जाएगी। ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, तो आप किसी एक जगह पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे। और हमने आपको बताया कि हमारे कंट्रोलर से कितना मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव निकल सकता है, प्लस 5 वोल्ट। तो मतलब हमें इसको प्लस 5 वोल्ट देना है। प्लस 5 वोल्ट देने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप माइक्रो कंट्रोलर का जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की, उससे कनेक्ट कर दीजिए, या एक्सटर्नल भी 5 वोल्ट आप दे सकते हैं। और जो जो भी बाकी पिन्स हैं, ये इन सबको हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे, मतलब ग्राउंड एक एक करके। अब सपोज़ हमने यहाँ 5 वोल्ट दे दिया, तो 5 वोल्ट तो नीचे भी आ गया। अब सपोज़ ये ए वाली पिन है, ये बी वाली पिन है, ये ए है, ये बी है। तो जैसे ही हम इस वाली बी पिन पे ग्राउंड वोल्टेज देंगे या नेगेटिव वोल्टेज देंगे, तो ये बी वाली जो एलईडी है वो ग्लो करने लगेगी। ए वाली पे हम अगर हम नेगेटिव वोल्टेज या ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो फिर ये ए वाली ग्लो करने लगेगी। इस तरह हम जिस पे भी हम नेगेटिव वोल्टेज देते जाएंगे वो एलईडी ग्लो करती जाएगी, ठीक है। इस तरह हम काम करेंगे। अब क्योंकि ये नॉर्मल पिन से, और नॉर्मल पिन या एलईडी की सिंगल पिन को आप कंट्रोल से कैसे कनेक्ट करते हैं वो लास्ट वीडियो में जान ही चुके हैं, तो उसी तरह हम इसमें कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका कॉमन एनोड। सेम इसी तरह हम देख लेते हैं कॉमन कैथोड। इसमें भी जैसा ऊपर है उसका जस्ट रिवर्स है, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर ये आ गया, तो अगर ये कॉमन कैथोड है, मतलब जो कॉमन पिन्स हैं इनको हमें निगेटिव वोल्टेज देना है या ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो आप एक को कर दोगे तो दूसरा इंटरनली कनेक्ट होते हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा उल्टा। ऊपर हम कॉमन वाली पिन को पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे, नीचे हम कॉमन वाली पिन को निगेटिव वोल्टेज दे रहे थे, ऊपर हम बाकी पिन्स को ग्राउंड या निगेटिव वोल्टेज दे रहे थे, अब नीचे हमको क्या देना होगा, पॉजिटिव वोल्टेज। तो जैसे हम यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, 5 वोल्ट से कम ही होगा, वो कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव वोल्टेज जैसे ही देंगे, तो चूंकि ये बी पिन है, तो बी पिन यहाँ पर है, जैसे 5 वोल्ट आएगा ये जो बी वाली एलईडी है ग्लो करने लगेगी। तो बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड का क्या मतलब है। कॉमन एनोड का मतलब है कॉमन पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज देना है और बाकी पिन्स पे आपको नेगेटिव वोल्टेज देना है, इन जिस भी एलईडी को आप ग्लो करना चाहते हैं। इस तरह कॉमन एंड कैथोड सेगमेंट पे कॉमन वाले पिन पे आपको नेगेटिव वोल्टेज या ग्राउंड से कनेक्ट करना है, और बाकी पिन्स पर आपको पॉजिटिव वोल्टेज देना है जिस भी एलईडी को आप ग्लो करना चाहते हैं। और इस तरीके आप मैनुअली चेक करना चाहें कि ये सेगमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वैसे आप मार्केट से सेगमेंट खरीद के लाए और आपको देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपके पास मल्टीमीटर होता है, जो सिंपली क्या करिए, बोल दिए हमारा मल्टीमीटर है, दूसरा कलर ले देता हूँ आपको समझ में आ जाए, ताकि सपोज ये हमारा मल्टीमीटर है और बताता हूँ, ये मल्टीमीटर की डिस्प्ले हो गई, यहाँ पर ऐसा बना होता है, ये मल्टीमीटर का नॉब हो गया, और यहाँ पर से हम हमारे दो वायर निकलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि
एक ये रेड वाला वायर है जो पॉजिटिव होता है, और एक ये ब्लैक वाला वायर निकलता है जो निगेटिव होता है या ग्राउंड होता है। देखिए आप क्या करना है कि आपको मल्टीमीटर में देखना होगा, वहाँ मल्टीमीटर बहुत सारे सिंबल्स यहाँ बने होते हैं, आप सबको पता है, तो उसमें जो सिंबल जहाँ पर डायोड का सिंबल बना होता है इस तरीके का, और उसी के साथ बजर का भी, उसी के ऊपर बजर का सिंबल बना होता है, तो अपनी उस नॉब को डायोड सिंबल या बजर सिंबल की तरफ सेट कर लेना है। फिर आप दोनों प्रोब्स को, जो दोनों ये दोनों प्रोब्स हैं, इनको आपस में टच करेंगे तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अगर आपको बीप की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो आप क्या करिए, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को एक बार कॉमन पिन पे लगाइए और निगेटिव वाले टर्मिनल को किसी भी पिन पे लगाइए, सपोज आप सी पे लगा देते हैं, तो जैसे ही आप इसको सी पे लगाएंगे, निगेटिव टर्मिनल को जैसे ही आप सी पे लगाएंगे, तो सॉरी यहाँ ई है, ई पे लगाएंगे तो ई से रिलेट से जुड़ी हुई जो एलईडी है उसे ग्लो करना चाहिए। अगर वो ऐसे करने पे ग्लो कर गई तो इसका मतलब ये है कि कॉमन पे आपने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो आपकी जो 7 सेगमेंट है वो कॉमन एनोड है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो जस्ट इसका रिवर्स करिए, मतलब जो निगेटिव वाली प्रोब है उसको कॉमन पे लगाइए और बाकी में से किसी एक में पॉजिटिव वाली प्रोब लगाइए, तो आपकी एलईडी अगर ग्लो कर गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो सेगमेंट है वो कॉमन कैथोड है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप जो 7 सेगमेंट मार्केट से ख़रीद के लाए हैं उसमें एक नंबर होता है सीरियल नंबर, उसको डालकर उसकी डेटा शीट निकालिए और उसमें देखिए कि वो कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शॉपकीपर या दुकानदार आप जहाँ से लेके आएंगे वो आपको बता सके कि कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है, तो आपको ही चेक करना होगा। और अगर डेटा शीट आपको नहीं मिल रही है तो प्रैक्टिकली हम कैसे चीज़ों को ढूंढ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मल्टीमीटर में जो रोटेटिंग प्रोब है, रोटेटिंग स्विच है, उसको आपको डायोड के सिंबल और वहाँ पर एक बजर का सिंबल ही बना होता है उसकी तरफ सेट करना है। फिर दोनों प्रोब्स को आपस में जो मेटल पार्ट है उसको टच करा के देखना है कि बीप की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बीप की आवाज़ आ रही है मतलब अब वो रेडी है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव वाली रेड वाली प्रोब को कॉमन वाली पिन से लगाना है और निगेटिव वाली को किसी भी बाकी पिंस में टच करा के देखना है। तो अगर आपने ए में सपोज टच कराया तो ए वाली एलईडी जलनी चाहिए, बी में टच कराया तो बी वाली एलईडी जलनी चाहिए। अगर ऐसा जल रहा है तो मतलब आपकी जो सेगमेंट है वो कॉमन एनोड है। अगर नहीं जल रहा है तो आप जस्ट इसका रिवर्स कीजिए, निगेटिव वाली कॉमन पे लगाइए और पॉजिटिव वाली रेड वाली प्रोब को बाकी किसी भी पिन पे लगाइए, अगर उसमें जलने लगा तो समझ लिए वो कॉमन कैथोड है। तो दोस्तों इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जो 7 सेगमेंट आप मार्केट से लाए हैं वो कॉमन एनोड है, कॉमन कैथोड है, और उसका पिन आउट मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनको माइक कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करें और कैसे प्रोग्राम लिखें एक नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, 0 से 9 तक के नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, और या 0 से लेकर 9 तक के एक क्या बोलते हैं उसे काउंट डाउन टाइमर बनाने के लिए। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल इस तरह सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मुझे बहुत सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों के, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह मैं आने वाले समय में और अच्छे जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग इस तरह अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू, शुभ रात्रि।